बाला शैतान का साला, अबे क्यों थक रहे हो? ए वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। हाउसफुल फोर का एक और नया धमाका अभी अभी आया है। वेल फ्रेंड्स, अक्षय कुमार ने सोचा क्यों ना सारे अकियंस की संडे की जो दोपहर है उसको फालतू ना जाने दें, उसे और रोमांचक बना दें। इसलिए बाला शैतान का साला इतना मशहूर हो गया है गाइस कि आधे से ज्यादा लोगों ने अपने ट्विटर के हैंडल्स वो रख दिए हैं, लोगों ने बाला का हेयर स्टाइल रखना शुरू कर दिया है। एंड गाइस, लिटरली हाउसफुल फोर के डायलॉग्स, उसके ट्रेलर के जितने भी जो यू नो सीन्स है टिकटॉक पे, इतनी जगहों पर धमाल मचा रहे हैं। द कॉमन आम जनता इज हैविंग अ बॉल विद हाउसफुल फोर। एंड अभी अभी जो गाना आया है, वेल फ्रेंड्स, स्कॉटिश म्यूजिक यानी के बैक पाइप्स जो रहते हैं, वो जो बजाते हैं, वो काफी अनहर्ड है, अनसीन है बॉलीवुड सिनेमा में। एंड साजिद खान की जो क्रिएटिविटी थी, जो पहला शॉट था पहले दिन का जो बार्बर शॉप में था यानी कि नाई की दुकान में था, उसके अगले दिन ही फराह खान यानी साजिद खान की बहन ने ये गाने को लंदन ब्रिज के पास पिक्चराइज किया था। मैंने पूरा का पूरा ऑनसेट लोकेशन, डांसर्स, बैक डांसर्स, बहुत बड़ा एपिसोड बनाया था इसके ऊपर। एंड गाइस, वो ही गाना जिसका नाम है चुम्मा, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर बाला यानी कि हैरी वहां पर बांगड़ू महाराज को ऐसा चुम्मा देते हैं जैसे कि वो टमाटर खाता है। रितेश देशमुख बीच में खड़ा है, अक्षय कुमार पूरा बॉबी और इसे जैसे बीच में खड़ा है। ये पिक्चर इतनी हिलेरियस होने वाली है गाइस, सीरियसली बोल रहा हूँ। खड़ूस से खड़ूस अंकल, वो तो एरिया में रहता ना टाटिया मामा, उससे लेकर सब लोग ये फिल्म में हंसने वाले। वेल फ्रेंड्स, कल हाउसफुल फोर का जो गाना है एक चुम्मा, वो आने वाला है, तो उसके लिए बने रहिए। एंड द बिगेस्ट न्यूज ऑफ देम ऑल, अक्षय कुमार की फिल्म का गाना टी सीरीज पे, टण टण टण, भूषण और अक्षय मिले साथ में, टण टण। क्योंकि बहुत लोग को यू नो शिकायत थी कि काश यू नो हाउसफुल फोर का जो ट्रेलर है वो टी सीरीज से बड़े चैनल पे आता तो और व्यूज मिलते हैं। मेरा भाई, चैनल से फर्क नहीं पड़ता, स्टार से फर्क पड़ता है। अक्षय कुमार की पिक्चर का ट्रेलर अगर मेरे चैनल पे भी आता ना तो उतने ही व्यू लेकर जाता, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन टी सीरीज पर गाना रिलीज होना बहुत बड़ी बात है। एंड गाइस, ये गाने में आपको सब लोग दिखाई देंगे। फ्रेंड्स, बात करें इस गाने की टीजर की, बहुत तुम भंकस करते हैं आजकल। वेल फ्रेंड्स, गाने के टीजर की बात करें तो गाना सुपर्ब है। स्टार्टिंग में पहले सीन में ही कृति सैनन, कृति खरबंदा एंड पूजा हेगड़े मस्त चश्मा सो पहनकर पूरी स्टाइल में घूमते हैं। यहाँ पर अक्षय, बॉबी एंड रितेश को व्हाइट कपड़ा बॉबी डेवल पहना है, ब्लू अक्षय एंड रितेश पहना लाल और स्कर्ट टाइप है, लॉन्ग स्कॉस, स्कॉटिश बैक पाइपर्स बने उन लोग, मस्त यू नो बैक पाइप बजाते बजाते वहां से घूमते हैं। फिल्म का जो म्यूजिक है काफी अरेबियन स्टाइल लग रहा है, एक चुम्मा गाना है और उसके बाद में जो हॉटनेस काले कपड़ों में कृति सनोन और पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा दिखाते हो, काफी बेहतरीन है, काफी सेंसुअस लगता है। अक्षय यहाँ पर किस करता है पूजा हेगड़े को, बबिया भैया यानी कि बॉबी डेवल किस करते हैं कृति सैनन को एंड बाद में ये दोनों रितेश देशमुख किस करते हैं। ये गाना कल आने वाला है तो इंतजार कीजिएगा। वेन अक्षय कुमार इज लाइक हैरी, रितेश देशमुख बनेंगे रॉय, बॉबी डेवल बनेंगे मैक्स। ये गाना जबरदस्त होगा। फराह खान की कोरियोग्राफी, अब सिंगर विंगर कोई ठिकाना नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तुम लोग ढूंढते रह जाओगे गाना किधर है क्या नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पूरा गाना कल आएगा, इसका हम रिव्यू करेंगे और गाना आएगा टी सीरीज पे, ठीक है। एंड आई एम नॉट अ जोकिंग, ठीक है। सबसे पसंद आए क्या करना है, लाइक कर दो, एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।